और हमारा ब्रेकअप हो चुका है भाई, ठीक है, इसको उतार देते हैं। अगर इसमें सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली, होप करता हूँ कि सारे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज नए व्लॉग के साथ तो नहीं आ रहे, बट छोटे से क्लिप बना रहा हूँ ताकि मेरी वीडियो अपलोड हो जाए यूट्यूब पे। तो क्यों, 2 दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। गाइस मेरे पास वीडियोस बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, ज़्यादा 7-8 वीडियोस पड़ी हुई हैं, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा उनको एडिटिंग करके अपलोडिंग करने का। एडिटिंग कर लेता हूँ फिर अपलोड करने में जो गाइस दिमाग ख़राब होता है ना, क्योंकि जो अपलोड करते हैं गाइस तो नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो है और अपलोड वीडियोज़ नहीं होती। सुबह अपलोड लगाता हूँ, जाकर शाम को अपलोड होती है, ना टाइम पे हो पा रही है ना कुछ। तो गाइस फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, व्लॉग बनाते रहता हूँ, जहाँ जाता हूँ व्लॉग बनाते रहता हूँ, व्लॉग नहीं छोड़ता, बट मेरे पास पड़े हुए हैं, अपलोड कैसे करूँ, नहीं वाईफाई में बैठा हूँ तो फिर कर लेता हूँ। बाकी गाइस बहुत सारे लोग बोलते हैं, रास्ते में पूछते हैं, मैंने दिए भाई आपके व्लॉग नहीं आ रहे, क्या चक्कर है, क्या सीन है भाई, क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा। और बहुत से खुश हो रहे हैं कि नहीं आ रहे भाई। बाकी दिल से शुक्रिया जिन बंदों ने इतना सपोर्ट किया, मैं व्लॉगर बनूँ या ना बनूँ वो किस्मत पे डिपेंड है। सबसे पहली बात है मेहनत, जो मैं करता नहीं हूँ गाइस, करता बहुत हूँ, बहुत की, इससे पहले मैंने बहुत की, जब मैंने बाइक रखा हुआ था इतनी ज़्यादा मेहनत की ना गाइस, हर दिन व्लॉग में अपलोड करता था, कोई दिन नहीं छोड़ता जब नया नया में आया। बट जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला तो इंसान फिर बड़ी मेहनत करके मैंने इस चैनल को मोनेटाइज किया, कुछ किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं फेक मेंबर है कुछ है भाई, जो भी है, बट मैंने जब मैंने मोनेटाइज किया ना, फेक मेंबर होते मेरा चैनल मोनेटाइज कभी हो पाता नहीं था, कभी नहीं था हो पाता भाई। तो जब मैंने मोनेटाइज किया बहुत मेहनत की, क्योंकि कंटिन्यूस मैंने वीडियोज़ रखी। तो उसके बाद जब मैंने सोचा रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, अगर अच्छा मिलता तो मैं कंटिन्यू करता, बट उसके बाद भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इससे बाद भी कंटिन्यू करूँगा जब कभी टाइम मिला। अभी घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, देख रहा हूँ व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगा यहीं पे, बंद करूँगा, क्या करना है कोई समझ नहीं आ रही। तो अगर जम्मू गया बाइक लिया फिर मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू कर लूँगा। मेरा गोप्रो मेरे पास हर चीज़ पड़ी हुई है, हेलमेट मेरे पास 2-3 पड़े हुए हैं, मेरे पास गोप्रो पड़ा, 2-3 गोप्रो के कार्ड पड़े हुए हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं है। अगर कोपरा में, उसके बाद लैपटॉप मैंने लिया था एडिटिंग कर लेंगे, उसमें मुझे एडिटिंग करना आती नहीं है, फ़ोन में एडिटिंग करता हूँ, और आईफोन में कार्ड नहीं पड़ता, एंड्राइड फ़ोन में कार्ड डालो फिर उधर से आईफोन में वीडियोस भेजो, फिर आईफोन में एडिटिंग करो, फिर आईफोन में एडिटिंग करके अपलोडिंग करो, गाइज बहुत मेहनत लगती है। बाकी गाइज फ़िलहाल तो इसमें यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि शायद आमिर भाई का और आयरा का ब्रेकअप हो गया। मैं भी वीडियोस देख रहा था आमिर भाई की, तो उसमें आया कि आमिर भाई का ब्रेकअप हो चुका है, बट भाई सच है झूठ है वो मुझे नहीं पता, बट मैंने आमिर भाई की क्लिप देखी, वो डाल देता हूँ ब्लॉगिंग गाइस, वो इसलिए डाल रहा हूँ कि चैनल पर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन मिल जाता है, अच्छे व्यूज़ खींच लेता है चैनल थोड़ा, तो इसलिए मैं वो वीडियोज़ डाल रहा हूँ। बाकी कल कोशिश करूँगा व्लॉग अपलोड करने की, कल ना परसों ज़रूर कर दूँगा गाइस, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग किया हुआ व्लॉग नहीं, आज रात बैठ के एडिटिंग करूँगा, तो कल मैं सुबह डालने की कोशिश करूँगा, डालेगा ठीक है, नहीं तो परसों डाल दूँगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाकी आप क्लिप देख कर गाइस जाओ देखो, कमेंट ज़रूर करना सच है झूठ है गाइस, क्या सीन है क्या नहीं है। तो हमें यहाँ पे टेस्ला डलाना है पूरा का पूरा भाई, ये जो चीज़ है ना भाई ये भी बहुत अजीब लग रही है, ये और हमारा ब्रेकअप हो चुका है भाई, ठीक है, इसको उतार देते हैं। अगर इसमें एयर सस्पेंशन डलाना हो उसका क्या सीन है?